गुड न्यूज मिलेगी और एक टेंशन वाली न्यूज भी मिलने वाली है। अब पता नहीं काव्य ये दोनों चीजों को कैसे हैंडल कर पाएगी। अरे वो बिंदास काव्य है, कुछ भी कर सकती है। जिसने अपना ड्रीम ठान के रखा हो उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो कहता है ना, सपना देखना आसान होता है बट उसे पूरा करना बहुत मुश्किल। अब मैंने कहाँ सोचा था कि ऐसे खुशी के मौके पे एक टेंशन वाली न्यूज भी आने वाली है। अभी जाके ना लैपटॉप लेके आती हूँ और देखती हूँ स्क्रिप्ट क्या है और आप सबको मैं दिखाती हूँ कि कौन से टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट है। ठीक है, देखा मैंने कहा था ना एक शॉकिंग न्यूज भी आने वाली है काव्य को। अरे बट वो शॉकिंग न्यूज क्या है कोई हमें भी तो बताओ। तो अभी 2 मिनट पहले ही मैं ना बहुत ज्यादा खुश थी, डांस कर रही थी और अभी अभी है ना मुझे मेरे कॉलेज से फोन आया और उन्होंने कहा कि 12 बोर्ड एग्जाम के हॉल टिकट जो है वो आ गए, आपको है ना कॉलेज में आके हॉल टिकट को कलेक्ट करना है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं ऑडिशन का सेटअप लगा के ऑडिशन शूट करूं, या फिर कॉलेज चली जाऊं और एग्जाम एंड हॉल टिकट के बारे में सोचूं। मैं बिंदास काव्य हूं, अगर मुझे स्टडीज कंप्लीट करने हैं तो मुझे मेरा ड्रीम भी कंप्लीट करना है, तो मैं कॉलेज जाऊंगी, अपना हॉल टिकट लेकर आऊंगी, पढ़ाई भी करूंगी और टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन भी शूट करूंगी। लेकिन अभी सबसे पहले मैं क्या करूं, कॉलेज जाके हॉल टिकट लेके आऊं या फिर ऑडिशन शूट करूं? कॉलेज जाऊं या ऑडिशन शूट करूं? आई थिंक मुझे सबसे पहले कॉलेज जाना चाहिए। मतलब हाई गुड न्यूज ही होगी ना कि हाँ जल्दी जल्दी हॉल टिकट आ जाएगा, फिर एग्जाम हो जाएगी, फिर यार रिजल्ट का अलग टेंशन, बहुत टेंशन है लाइफ में गाइस। लेकिन चलो ठीक है, सब हम है ना अच्छा अच्छा सोचेंगे। मैंने ना बहुत पढ़ाई की है, मैं बता नहीं सकती, मैंने इतना लिखा है, लिखने की बहुत प्रैक्टिस की है, फिर पढ़ाई भी बहुत सारी की है, तो इतना टेंशन नहीं है इस बार मुझे। मतलब है ना एक हाथ में टीवी सीरियल का ऑडिशन है और दूसरे हाथ में 12 बोर्ड का हॉल टिकट। देखो गाइस, दोनों में से ना मैं कोई एक चीज़ चूज नहीं कर सकती क्योंकि दोनों भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टीवी सीरियल का ऑडिशन भी और मेरे 12 बोर्ड्स भी। तो गाइस मैंने ना पता करवाया और फिर मुझे पता चला कि कॉलेज यूनिफॉर्म में नहीं जाना, इसलिए ना मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। चलो अभी हम लोग चलते हैं। और बाय द वे मैंने ना ये मम्मी का चश्मा पहना हुआ है। कैसी लग रही हूँ बताओ? यार सच में मैं कितना भी खुश रह लूं लेकिन बोर्ड्स का जो टेंशन होता है ना वो भयानक लेवल का होता है। जो भी अभी 10th या 12th में होंगे वो मेरी बात को एग्री करेंगे, है कि नहीं? पापा देखो, नॉर्मली है ना जैकेट ऐसे नहीं लेके जाना होता हाथ में, ऐसे लेके जाना। मैंने मूवीज में और टीवी में देखा है ऐसे जैकेट लेके जाता है शाहरुख खान के जैसे। हाँ अभी हॉल टिकट आ रहा
अभी आज उसमें पता चलेगा कि ये ना एग्जाम कब से स्टार्ट हो रही थी, सब जैकेट फिकेट ये वो सारी मस्ती तुम्हारा है ना, मैं भी देखता मैं अभी तुमको। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया पप्पा ने हॉल टिकट का बता के। मैं सिर्फ देखूंगा एग्जाम की डेट क्या है उसके अंदर। यार मम्मा अब मेरे साथ आना। हाँ। ये दूध की बोतल लेके क्यों चल रहे हो? आपके टाइम पे भी दादाजी ने ऐसे ही किया होगा इसीलिए आप ऐसे कर रहे हो ना पापा। मेरे पास है ना पढ़ने के अलावा दूसरा कोई और काम नहीं था। मेरे पास ऑप्शन है। जाओ ना अभी तुम, मैं रुकता हूं यहां पे, आओ जल्दी से। यस जल्दी आ जाते हैं पापा हम हॉल टिकट लेके। मैंने ना मास्क कैप सब कुछ पहन लिया है फॉर सेफ्टी रीजंस और मैं अपने कॉलेज आ गई हूं। ये देखो पीछे ये रहा मेरा कॉलेज। लेट्स गो, अभी हम अंदर चलते हैं। हाय अंकल, गुड मॉर्निंग। अभी हॉल टिकट लेने नंबर कहां पे लगा है? हॉल टिकट लेने जा रहे हो? फिर बताती हूं मैं आपको। मैं ना बहुत दिनों के बाद में कॉलेज आई हूं। अभी हम चलते हैं उधर काउंटर से है ना हमारा हॉल टिकट कलेक्ट करते हैं। पता है मैंने इन्होंने चैलेंज दिया है कि इधर से आपके दिखाओ, देखो देख पे कितनी पतली है। देखो इतनी पतली हूँ मैं कि मैं यहाँ से भी आ सकती हूँ। लेट्स गो, देखा कितना छोटा है। ये देखो गाइस फाइनली मुझे मेरा हॉल टिकट मिल गया। अब एग्जाम कब से स्टार्ट हो रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पापा को पहले खुशखबरी दे देते कि हॉल टिकट मिल गया है। अच्छे से रोड क्रॉस करा मेरे को, मुझे बस है ना पापा की खुशी देखनी है, कितना खुश होते हैं पापा हॉल टिकट देख के। अभी देखो अब गाड़ी में बैठे पापा रुक। और पापा नहीं मिला मेरे को हॉल टिकट। ये क्या है? ये हॉल टिकट ही है। तो नहीं मिला क्या है? इक्कीस फरवरी से एग्जाम है। बताने वाली थी आप सबको डेट। चलो ठीक है पापा ने बता दी। 21 फेब से एग्जाम है, मतलब अभी 20 डेज बाकी है सिर्फ। ओह माय गॉड गाइस, आप बिलीव कर सकते हो 20 दिन के बाद मेरे बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। अब अभी पढ़ाई करना। पढ़ाई तो जारी करेंगे अभी। हाँ। मतलब चल ही रही लेकिन फिर भी आ गई हूँ गाइस मैं घर पर। अब मैं ना सीरियसली बता रही हूँ, पढ़ाई पे ना बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं पढ़ाई करती हूँ लेकिन फिर भी अभी हॉल टिकट भी आ गया और डेट भी पता चल गई कि कब से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। देखो ना एक हाथ में मेरे 12th बोर्ड का हॉल टिकट है और दूसरे हाथ में मेरी टीवी सीरियल ऑडिशन की स्क्रिप्ट। मेरा एक तरफ स्टडी है और एक तरफ मेरा ड्रीम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों आपस में क्लैश करेंगे, लेकिन मैं बिंदास काव्या हूँ। मैं अपनी स्टडीज भी करूंगी और मैं अपना ड्रीम भी कंप्लीट करूंगी। मैं 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स से पास भी होंगी और मैं ऑडिशन शूट करके भी भेजूंगी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बताओ बताओ। मैं ना अपने हर वीडियो में ऐसे एक्टिंग करने की कोशिश करती हूँ। अभी आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी बताओ ना? ऐसे लग रहा था ना अभी यहाँ पे टीवी सीरियल चल रही है। कॉलेज के हॉल टिकट पे देखो ना मेरा फोटो कितना मस्त है। अभी हम है ना ऑडिशन का सेटअप करते हैं, तैयार होते हैं, ऑडिशन शूट करते हैं। आप सब लोग है ना मेरे लिए प्रार्थना करना, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन होने वाला है। चलो। और ये ऑडिशन शूट करना है ना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मुझे ना प्रॉपर देवी माँ की लुक में शूट करना है और एकदम शुद्ध हिंदी बोलनी है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी ऑडिशन शूट कर ही रही हूँ तो आप सबके साथ भी शेयर करते हैं कि एक्चुअल ऑडिशन कैसे शूट किया जाता है। लेट्स गो। अभी तो सबसे पहले प्रॉपर देवी का लुक करना है, उसके लिए है ना मैंने मेकअप आर्टिस्ट आर्यन को बुला लिया है घर पर। वो एकदम प्रॉपर लुक होना चाहिए, उसमें हमको ऑडिशन शूट करना है। तो अभी जस्ट मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना, तो ये स्क्रिप्ट फुल हिंदी में, मतलब एकदम शुद्ध हिंदी, जैसे हम नॉर्मल हिंदी में बात करते हैं ना वैसे नहीं है ये स्क्रिप्ट। तो इसलिए मैं ना बार बार पढ़े जा रही हूँ ये स्क्रिप्ट को, क्योंकि यार नॉर्मल हिंदी जो होती है ना वो तो हम आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन ये जो शुद्ध हिंदी होती है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बात करने में। लेकिन नहीं, मैं कर लूंगी, मैं काव्या हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एकदम कर लूंगी मैं। ये क्या पानी करके आया पूरा, ये क्या ही है?
अरे दीदी वो क्या है ना, अभी है ना जल्दी से होली आने वाली है ना, इसलिए मैं अभी है ना ये पानी खेल खेल के मैं होली की प्रैक्टिस कर रहा। होली आने के बाद में मैं ना सबको भिगा डालूंगा ड्रम में डुबा डुबा के। ये देखो कौन आया, ये है मेकअप आर्टिस्ट, कोरियन मेकअप आर्टिस्ट आर्यन। हाई, कैसे हो? एकदम बढ़िया। और ये है उनकी मम्मी मैम, आओ ना। हाय। हाय। ये मैम को तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने बहुत सारे लुक किए हैं मेरे। तो अभी आपको मैंने फोटो दिखाया ना कैसे लुक करना है। सबसे पहले हम ना मेरे आईब्रो को शेप देंगे। देखो बहुत दिनों से आईब्रो को शेप नहीं दिया है, तो देखो मेरे ना आईब्रोज को शेप दे दिया है। बताओ कैसे लग रहा है अभी, एकदम ताजा खिला, कैसे फ्रेश चेहरा लग रहा है मेरा। पहले कैसे डल चेहरा लग रहा था, अभी मैम है ना लेंस लगा रहे हैं। कौन सी कलर, रेड है? ऑरेंज है, वो साड़ी के ऊपर। हाँ हाँ, वो जो साड़ी है ना उसके अकॉर्डिंग हम लेंस पहन रहे। तो अभी है ना हेयर्स को क्रिम्पिंग कर रहे हैं बाउंसी लुक आने के लिए। और ये हेयर क्रिम्प होने के बाद में ना मैं आपको ज्वेलरी भी दिखाती हूँ, हम कौन सी ज्वेलरी पहनने वाले हैं। ये हमने म्यूजिक वीडियो के शूट में भी होलोग्राफिक आई किए थे, लेकिन ठीक है तब मुझे समझ आया कि होलोग्राफिक आई क्या होते हैं, और इन सबको भी समझ आया तभी। देखो ये रहा मेरा आई मेकअप, आप बताना कैसा लग रहा है आई मेकअप। सच में मैम ने बहुत अच्छा आई मेकअप करके दिया है, एकदम लुक ही चेंज हो गया। आप लोग कमेंट्स में बताना आपको ये मेकअप कैसा लगा। देवी माँ का लुक है तो ऑफ कोर्स मेकअप हैवी होता ही है। अब मैं आपको है ना ज्वेलरी दिखा देती हूँ। ये है गले में का हार, ये इयररिंग्स है, ये है नोज रिंग, और ये मांग टीका। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, जो ये साड़ी पे मैच होंगे वही हम पहनेंगे। देखो मैम ना यहाँ पे मुझे साड़ी पहना रहे हैं, साड़ी पहन के मैं ना जल्दी से ज्वेलरी पहन के आपको मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ। ऑडिशन शूट है ना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे है ना रिंग लाइट लगा ली है, ये ट्राईपॉड यहाँ पे लगा लिया, अभी बस मुझे है ना कैमरा फिक्स करना है, फिर उसके बाद में हम ऑडिशन स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं आपको भी एक बात बताती हूँ, अगर है ना हीरो को हीरोइन को देखना है तो नॉर्मली लोग कैसे ऐसे देखते हैं, लेकिन एक्टिंग में इसको कैसे देखा जाता है वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? लेकिन एक्टिंग में इसको बहुत स्लोली ऐसे देखना पड़ता है, समझ गए गाइस? अभी चलो ये मजाक मस्ती तो चलती रहेगी, अभी सीरियस हो जाते हैं और मेरा ऑडिशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मेरे भक्त जब भी मुझे बुलाते हैं मैं अवश्य आती हूँ, मुझे अपने भक्तों से कुछ नहीं चाहिए, केवल इसके कि वो सिर्फ मुंह से नहीं मन से भक्ति करे, केवल दिखावे के लिए नहीं। भूल गई। देखो गाइस मैं ना हमेशा आप सबको बताती हूँ कि ऐसे जो लुक होते हैं ना वो करने के लिए, मेकअप करने के लिए कम से कम 3 घंटे लगते हैं, और 3 घंटों के बाद में यार इतना बैठ बैठ के इंसान थक जाता है ना, मैं क्या बताऊँ आप सबको। अभी मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ना अपना शूट कर रही हूँ, क्योंकि यार मुझे है कि मुझे टीवी में जाना है, एक बार हो कुछ भी हो मुझे टीवी में जाना है, पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा। मेरे भक्त जब भी मुझे बुलाते हैं मैं अवश्य आती हूँ, मुझे अपने भक्तों से कुछ नहीं चाहिए, केवल इसके कि वो सिर्फ मुंह से नहीं मन से, ओह माय गॉड क्या था, मन से,
सच्ची गाइस यार, ऑडिशन शूट करना है ना आसान बात नहीं होती। एक पेज भर के पूरा जो है ना डायलॉग्स होते हैं ना, वो पहली बात तो याद करने होते हैं, और उसको है ना एक इसमें ही बोलना पड़ता है, उसमें है ना बीच बीच में हम कट भी नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हार जा रहे हैं। और पहली बात तो जो स्क्रिप्ट है ना वो एकदम प्योर शुद्ध हिंदी में, तो फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, आप लोग बताओ आपको कैसे लगता है। ठीक है, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। इस बार वन टेक में ऑडिशन होगा, आप बस देखना। मेरे भक्त जब भी मुझे बुलाते हैं मैं अवश्य आती हूँ। मुझे अपने भक्तों से कुछ नहीं चाहिए, केवल इसके कि वो सिर्फ मुंह से नहीं मन से भक्ति करे, केवल दिखाने के लिए नहीं सच में प्राणी जन की सेवा करे। मुझे ना तो सोने और चांदी से सजी अपनी मूर्ति चाहिए और ना ही कीमती चढ़ावे। मैं तो उनके घर पे जाती हूँ जो मिट्टी के चबूतरे पर पुराना लाल कपड़ा डाल के मेरी चौकी से जाता हो। कभी ये मत सोचना कि मुझे बुलाने के लिए कोई भव्य आयोजन करना होगा, नहीं, सिर्फ आंख बंद करके सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मुझे अपने पास पाओगे। केवल एक वचन देना होगा तुम्हें, हमारे जो पांच सद्गुण माने जाते हैं, प्रेम, त्याग, क्षमा, दया और धर्म, इनका साथ कभी मत छोड़ना। अगर तुम्हारे अंदर ये सारे सद्गुण होंगे तो मैं तो क्या 33 कोटी देवों भी तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारे अंदर ये सारे सद्गुण होंगे तो मैं तो क्या 33 कोटि देवता भी तुम्हारे साथ होंगे। तो मैंने जो ऑडिशन शूट किया है वो भेजने का टाइम आ गया और मैंने कृष्णा को बुला लिया। मैं कृष्णा के हाथ से अपना ऑडिशन भिजवाने वाली हूँ। बच्चे चल, मैं जैसे जैसे बोलती वैसे कर, ठीक है? इस पे क्लिक कर। मन में पहले बोल कि सिलेक्ट होना चाहिए ऑडिशन, प्लीज बोल दे, सेंड कर दे। भांजी प्लीज मेरा ऑडिशन सिलेक्ट होना चाहिए। गाइज आप लोग भी बोलो कमेंट में, सिलेक्ट होना चाहिए, है ना बच्चे? हाँ, बोलो कमेंट, स्नैप करो दीदी, सिलेक्ट होना चाहिए। पता है मैंने ना सच में बहुत मेहनत की ऑडिशन शूट करने के लिए। मैंने लेंस पहने हुए थे, मेरे को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। मैंने ना अभी फटाफट लेंस निकाले, देखो मेरी आंख कितनी लाल हो गई है ये। सो फाइनली मैंने ना अपना ऑडिशन कृष्णा के हाथों से सेंड तो कर दिया है, और मैं ये बात भी जानती हूँ कि मुंबई में है ना ऐसे मेरे जैसे लाखों ऑडिशन आते होंगे। ठीक है ना, अब देखते हैं मेरा ऑडिशन सही हाथों में जाएगा या फिर वो लाखों ऑडिशन में कहीं गुम हो जाएगा। क्या कभी बिंदास काव्या इस घर से निकल कर मुंबई जा पाएगी अपना ड्रीम कम्प्लीट करने, या फिर बिंदास काव्या का सफर इसी घर में शुरू हुआ और इसी घर में खत्म होगा? पता नहीं क्या होगा। तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मेरी तरह आप भी किसी गुड न्यूज का इंतजार करो।